नमस्कार, हूँ छु दीपाली। जम्मू काश्मीर कटरा में आवेल वैष्णोदेवी मंदिर में नवा वर्षना प्रारंभे मौतनु तांडव मची गयु। मोड़ी रात्रे भागदौड़ थता बे महिला सहित 12 लोग मौते भेट्या छे, जारे 20 जेटला लोग इजाग्रस्त थया छे। 20 इजाग्रस्तों मांथी 10 लोगोनी हालत खूब ज गंभीर होवानुं पण जाणवा मळ्युं छे। इजाग्रस्तों ने सारवार हेठळ नारायण हॉस्पिटल में दाखिल करवामां आव्या छे, जारे 12 लोगोना मृतदेह ने पोस्टमोर्टम माटे मोकली देवाया छे। भागदौड़ी आ घटना त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मंदिर गर्भगृहनी छे, जहां नवा वर्ष की शुरुआत में माताजी दर्शन करवा माटे मोटी संख्या में श्रद्धालुओं उमटी पड़ता भागदौड़ मची गई थी, जेमां अनेक लोको कचड़ाई गया। घटना की जाण थता ज पोलीस टीमों राहत और बचाव कार्य की टीमों घटना स्थले पहुंची मोर्चो संभाळी लीधो छे। हाल राहत और बचाव कार्य पण चाली रह्युं छे। जम्मू काश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह कहू छे कि प्राथमिक रिपोर्ट मुजब मंदिर परिसर में कोई बात पर चर्चा थी, जे बाद लोको एक बीजा ने धक्का मारे अने पछी भागदौड़ मची गई। तो जम्मू काश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में भागदौड़ की घटना घटी है, जेमां 12 लोग मौते भेट्या छे तो 20 जेटला लोग इजाग्रस्त थया छे। इजाग्रस्तों मांथी 10 की हालत गंभीर होवानुं सामे आव्युं छे अने तमामने नजीकनी हॉस्पिटल नारायण हॉस्पिटल में सारवार माटे खसेड़वामां आव्या छे। तो आपने जणावी दीए कि उपराज्यपाले मृतकोना स्वजनों ने 10-10 लाख की सहाय की जाहरात करी छे। वैष्णोदेवी मंदिर में मोड़ी रात्रे नवा वर्षना माताजीना दर्शन करवा माटे लोको एकठा थया हता अने भीड़ जामी हती। इतनी सारी एम्बुलेंस ऊपर जा रही है, जितनी एम्बुलेंस ऊपर जा रही है, जितने लोग मतलब घायल होकर नीचे आ रहे हैं, उतने ही दोबारा भेज रहे हैं ये लोग, इनको कुछ ना कुछ ऐसा। ये तो सर ऊपर वही मंजर दिखेगा आपको, जो सुबह 2:30 बजे के आसपास जो हादसा हुआ है वही मंजर आपको अभी देखने को मिलेगा। रोक देनी चाहिए या तो जो ऊपर कंडीशन है, क्योंकि हमारे सामने मौत हुई है, हमने देखा है, तो हम यही अपील करेंगे कि आप इन्हें मना करें। यहाँ पे लोगों को आप सुन सकते हैं शुभांकर किस तरीके से ये बता रहे हैं। आप बीती वहाँ पर हुआ क्या था, किस तरीके से भगदड़ मची थी। इन लोगों का कहना है कि हजूम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, यानी कि माता के दर्शन के लिए कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो दर्शन कर आए थे। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इंसिडेंट जो है वो हुआ था। आप दर्शन करके आगे कितने बजे दर्शन किए? 1 बजे। क्या हुआ था वहाँ, पता चला? भीड़ हुई थी। अभी भी कितनी ज्यादा भीड़ है ट्रैक पे? अभी कम है। और अभी यहाँ से क्यों छोड़ रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा है। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो साइन बोर्ड और जम्मू पुलिस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यहाँ से रोक देना चाहिए। और हमें तो 20 से ही वापस कर दिया गया था, कम से कम 10-20 हजार लोग यहाँ से वापस कर दिए गए, अब फिर से छोड़ दिए गए। तो ये समझे भी नहीं आ रहा इनका तरीका। और वहाँ पर लाठी चार्ज भी हुई है ये सुना है मैंने। एक दिन के लिए बंद होना चाहिए सर, लगता है आपको? जी। कुछ अब लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि एक दिन के लिए जो यात्रा है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हादसा वहाँ पर पेश आया है और अभी भी लोग जो है वो वहीं की तरफ जा रहे हैं। लगातार जो भीड़ है वो हमें देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से यात्रा के लिए जो श्रद्धालु है वो माता के दरबार के लिए जा रहे हैं। वहीं जो चश्मदीद है जो बता रहे हैं आप बीती उनके सामने क्या कुछ हुआ है, वो बता रहे हैं कि 3 और 4 गेट के बीच में ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर मौके पर जो अथॉरिटी थी वो वहाँ पहुँची, एम्बुलेंस जो है तुरंत वहाँ पर भेज दी गई और उसी के बाद जो है ये पूरा इंसिडेंट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन अभी भी लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हाई लेवल जो कमिटी है, इंक्वायरी जो है वो गठित की गई है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। जो कमिटी है वो गठित की गई है, डिविजनल कमिश्नर ADGP जम्मू मुकेश सिंह जो है इस कमिटी में है और पूरी जांच जो है वो की जाएगी आखिरकार ये इंसिडेंट किस तरीके से पेश आया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने कई सालों से 31 दिसंबर को यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन इस तरीके का हुजूम जो है, इस तरीके से लोगों को हमने यहाँ पर
बार नहीं देखा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। जहां ये माता के विश्वास ही है जो लगातार लोगों को यहां की तरफ लाता है। विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का यहां पर मंदिर है जहां पर ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये बाणगंगा है, ये पहला माता का पड़ाव जो है उसे यहाँ पर माता का पहला पड़ाव है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अभी भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो ये डिमांड कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए यात्रा जो है वो रोक दीजिए, चाहे बेशक एक दिन के लिए ही सही, लेकिन क्योंकि लगातार जो हजूम है, जो श्रद्धालु है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, जो बातें हम सुन पा रहे हैं उसमें कई सारे घटना सामने आई छे, तमा अनेक लोको मौते भेट्या छे, बार लोकोना मौती घटना सामने आई छे, तो 10 लोको हजु गंभीर रीते घायल छे। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था, इतनी भीड़ होने के बावजूद आप लोगों को इतनी यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, जो आप हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके पास पहुंच रहा है, उन लोगों को यहाँ पे स्टे कर देना चाहिए था। कि जब हम वहाँ पे गए 2 लाख ऑलरेडी पीपल्स वहाँ पे हैं, तो उनको पीछे से बैक कर देना चाहिए कि भाई नहीं आना है। उसके बाद भी कंटिन्यू वो बैक वहीं पे है। फिर मंदिर में ये है कि वैसे तो हम फुल वॉच पे हो, उसके बाद बंदे पे अगर फोन आ गया पॉकेट के अंदर, कहाँ रखे जब लॉकर ही नहीं आप लोगों के पास, उसके बाद उसको लाइन से निकाल दो। उसकी फैमिली बिछड़ रही है, बिछड़ने तो हमने 11 बजे दर्शन किए, मेरे हस्बैंड का 130 पे नंबर आया, इतने हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके 2 o'clock के करीब वो हादसा हो गया, उसमें हमारी मासी सास मिसिंग है, अभी मासी सास मिसिंग है, हमें यही नहीं पता कि वो ठीक है, कहाँ है, उन्हें ढूंढते हुए हम आए, कुछ भी नहीं पता हमें इसके बारे में, सारा कुछ यहाँ की पुलिस, बिल्कुल यहाँ की मिसिंग है। पीयूष सिंह, लखनऊ से। सर मैं तो बीच में पहले नहीं वहाँ था, रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी, तो बस ये कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। बुजुर्ग हम लखनऊ से सर। तो कितने लोग थे? हम 9 लोग थे, जिसमें से मेरा एक दोस्त मिसिंग है, वो अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला है, तो उसको हम कल भी ढूंढ रहे, आज भी ढूंढ रहा हूँ, कोई भी किसी ने हेल्प नहीं, मैंने कहीं भी कंट्रोल रूम में बताया है कि मतलब जानकारी करके बताई है जो बच्चे चोट खाए हैं, या तो मुझे उनको एड्रेस दीजिए कहाँ चोट खाए, कौन से हॉस्पिटल में है, उनकी मैं जानकारी करूँ जाके, मैं अपने दोस्त को परिचय करूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं लोग यहाँ पे इतनी ठंडी में इंतजार कर रहा हूँ सर, बिना सोचे समझे इन्होंने मतलब एकदम से ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया के ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी किसी के, लेडी से बच गया, इन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया। यात्रा करके आ रहे थे, मैं भी फंस गया था, मैं भी घबरा गया था, वहाँ पे कई अफवाह फैलाई गई, हाँ जी हमें अफवाह फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा खंभा गिर गया, इससे ना हम बाल बाल बचे, हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा, अभी बड़ी मुश्किल से आया वो यहाँ पर और बहुत परेशान रहा, और जो डंडे मारे ना बहुत मारा, बहुत मारा, हाँ जो भी प्रशासन आर्मी वालों ने मारा, मगर बहुत मारा सर, किसी पे लेडीजों को सबसे ज्यादा मारा, सबसे ज्यादा मारा। और सर वही के वही रोक देना चाहिए। मैं जम्मू से, मेरा नाम चाहत महाजन है। ऊपर बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी, खंबे पे लोग चढ़े हुए थे जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी, कुंभ मेले के जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। हम बिना दर्शन के वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर बहुत हो रहा था, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे थे, तो हमने 3-4 घंटे वेट करा कि शायद हमारा नंबर आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। ब्लैंकेट भी नहीं थे और टेम्परेचर लो था, और हम इतने लेके आए नहीं थे ब्लैंकेट साथ में क्योंकि चढ़ाई करनी थी, तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी, लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी